हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भैया ऑपरेटर्स के बारे में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों ऑपरेटर्स का क्या इस्तेमाल है भैया, तो वो बड़े आपके काम की चीज है, प्रोग्रामर के बड़े काम की चीज है ऑपरेटर, इसलिए उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरीके से जो ऑपरेटर्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके वेरिएबल्स है वैल्यूज है उनके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कह लो जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज है उनको आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करना है ताकि आप अपने लॉजिक को बिल्ड कर सको, डेवलप कर सको अपने प्रोग्राम में, कोड में। इसमें भैया ऑपरेटर्स जो है वो आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर्स को जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इस केस में ऑपरेटर्स बहुत सारे टाइप के हैं दोस्तों, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर है, एक एक करके उनको जानेंगे। आज इस वीडियो में भैया हम लोग सबसे पहले जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे अर्थमैटिक ऑपरेटर्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दोस्तों मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, ए और बी। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। इन्हीं दोनों वेरिएबल्स की मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर उनको जानेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल होगा अर्थमैटिक ऑपरेटर भैया करते क्या है, इनका स्पेशलिटी क्या है। अर्थमैटिक दोस्तों जो भी हमने 5वीं से लेकर 10वीं तक जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स हमने किया था, सीखा था, समझा था, वही चीजें, वही ऑपरेशंस यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करने में मदद करते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में अर्थमेटिक हमारे ऑपरेटर्स जो है बड़े मदद करते हैं। इसमें से तो जो भैया पहले चार हैं इनके बारे में तो हम जान ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा फंडा है, इसको रन करता हूं और आउटपुट के साथ यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो है यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर ए और बी, इस केस में दो ऑपरेंड्स हैं जिनके बीच में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा रखे हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं एडिशन ऑपरेटर की मदद से दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 5 + 2 आ जाता है 7। अगला है सब्ट्रैक्शन, आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले जोड़ रहे थे अब तोड़ रहे हैं, यहाँ पे 5 - 2 हो जाता है 3, तो 3 रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, 5 * 2 कितना होता है 10 होता है, तो 10 आ गया। और फिर आते हैं भैया डिवीजन के ऊपर, अब डिवीजन के ऊपर जब हम आते हैं तो बीच में लगा दिया हमने ये डिवीजन ऑपरेटर, ए बी ऑपरेंड है और यहाँ पे 5/2 अपना आता है आंसर है 2.5, यहाँ पे आ चुका है। अब इसके आगे मामला थोड़ा दोस्तों समझने जैसा अलग सा मामला है। ये जो ऑपरेंड है ये हमने पाइथन में भी देखा था, बराबर है कि नहीं, ये ऑपरेंड जो है ये हमने पाइथन में भी देखा था जिसका नाम था मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ भिन्न है। इसमें अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूं दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, अनएक्सपेक्टेड इनपुट। ये क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों 1% से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको 2% लगाने पड़ेंगे तब जाके भैया ये आपका कहलाएगा मॉड्यूलस ऑपरेटर इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये होगा आपका एक तरीके से मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1। अब ये इसका इसकी जो खासियत है, इसकी जो स्पेशलिटी, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि भैया इट इज इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर, मतलब जो भी डिवीजन आप कर रहे हो उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें जो है ये एक तरीके से इंटरेस्टेड रहता है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम देते हैं सी को, असाइन करते हैं रिमाइंडर की वैल्यू सी को और फिर वो मैंने प्रिंट कर दी। सी आंसर क्या आया 1, 1 क्यों आया, 5/2 जब हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया रिमाइंडर क्या आता है इस केस में, इस डिवीजन का 1 आता है, तो इसलिए हमें रिजल्ट में आंसर में 1 ये नंबर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ अतरंगी सा अलग सा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो ऑपरेटर है दोस्तों एक तरीके से ये इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर है। ये क्या है, इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ पे दोस्तों जो है आपका जो क्वेश्चन होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन का आंसर, क्वेश्चन होता है उसका पॉइंट का पहले का जो मामला है वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं, पॉइंट के बिफोर, पहले का बिफोर का जो मामला है एज अ होल नंबर वो हम लोग कंसिडर करते हैं और उसे एक तरीके से राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट लोएस्ट होल नंबर, नियरेस्ट लोएस्ट डाउन होल नंबर, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यार यहाँ पे मैं अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो आपको ये जो डिविजन है इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आंसर 2 आया, 2 क्यों आया भैया रिजल्ट, बिकॉज जब 5/2 करता हूं तो क्वेश्चन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.5 है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ पे इस केस में जो है हमारा जो 2.5 का जो नियरेस्ट, जो हमारा नियरेस्ट राउंड ऑफ बनता है टू द डाउन, नॉट अप, मैं डाउन की बात कर रहा हूं, अप की बात नहीं कर रहा हूं, अप यहाँ पे इस केस में होता 3, डाउन यहाँ पे इस केस में है 2। तो यहाँ पे हम लोग जो अपना रिजल्ट है उसको एक तरीके से राउंड ऑफ कर रहे हैं टू द डाउन नियरेस्ट होल नंबर, डाउन नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, अप की नहीं कर रहा हूँ, और डाउन की बात कर रहा हूँ, डाउन राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे 2 आया, नहीं तो यहाँ पे 3 आता अगर मैं अप की बात करता। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पे राउंड ऑफ किया जा रहा है।
अब आते हैं भैया अगला जो ऑपरेटर, इसको समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको ये जो ऑपरेटर, ये क्या है भैया, जैसे अपन बोलते हैं ना 2:3, 5:2, तो ये वही वाला ऑपरेटर है जिसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक तरीके से इसको रन करता हूँ और आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा 5:2, मतलब 25 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे 5:2, इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को रीड कर सकते हो। 5:2 का जो रिजल्ट है 25, वो हमने असाइन किया सी को और इसे प्रिंट कर दिया सी को। तो इतना आसान सा मामला था भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में और एक ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानने वाले, समझने वाले इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब तक के लिए भैया अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।